बेड़ पार को बारमासा उनरण 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 कफल पा कुछ है ता मेरी छैला रण कफल पा कुछ है ता मेरी छैला। इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी चॉकलेट, जो अभी अभी आपने बिना बोले खा ली। बहुत जगह मिलता है चाउमीन, बट इसका टेस्ट अलग ही है, अलग ओके। फिर ये है थुप्पा। थुप्पा मैं ये खाऊं, मुझे ये बहुत पसंद है। पाइनएप्पल स्क्वायर और ये बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है। मैं आपको बताता हूँ ये खा। प्लीज प्लीज बताइएगा। मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप खुद दिखाइए। 1850 से है। हाँ 1850 से। हाँ यही है दुकान 1850 से, इसी जगह पर। हाँ चंद्रकला रोमांस आ गया आपको। खाने में क्या है मैं आपका स्वागत है। हमारा साथ है हमारे दोस्त गोपाल एंड वी आर इन द यूके, यानी उत्तराखंड में है हम। हाँ मुझे वही लगा, कहीं आप यूके यूनाइटेड किंगडम तो नहीं समझ रहे। बड़ी है खूबसूरती में, उससे बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है, ज्यादा ही है। एब्सोल्युटली। और हम जा रहे हैं नैनीताल और वहाँ खाएंगे खाने। तो चलो नैनीताल जाते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है। चलिए। तो हम पहुंच गए हैं नैनीताल। ये जो रास्ता है ब्यूटीफुल रास्ता है, जहाँ यहाँ लेक है और यहाँ दुकानें हैं, इसे मॉल रोड कहते हैं गोपाल जी। Yes. और ये जो नैनीताल है वो ब्रिटिशों ने बहुत साल पहले बसाया था। बहुत साल पहले। Yes. हाँ, हाँ. तो कहते हैं ये रोड मॉल रोड जो है, जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो उस वक्त ये हिंदुस्तानियों को इस पे चलना अलाउड नहीं था, ब्रिटिशर्स केवल चल सकते थे। लेकिन अभी कुछ यहाँ इंस्टीट्यूशंस बचे हैं जो ब्रिटिशों ने खोले थे, जहाँ फेमस हुए थे ब्रिटिश के जमाने में। जी जब मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो मैं खाने के इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसा ही, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही। ऐसा ही एक कैफे है मल्लीताल में, सेक्लेज, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे खुला था, लेकिन उसकी पेस्ट्रीज, उसके एक्लेयर्स आज भी बहुत फेमस है। चलो तो मैं आपको ले चलूँ उधर। चलिए चलिए चलिए। जादू। ये देख के मैं इतने साल बिहाइंड जाता हूँ, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है वो 1944 में खुला था। 1944। एंड इट इज लिटरली आउट ऑफ अनदर वर्ल्ड। इट्स लाइक टाइम हैज स्टूड स्टिल ओवर। यस। टेस्ट वाइज तो यस। टेस्ट वाइज तो यस। या इवन आइकॉनिक डिशेस वाइज तो यस। यस। और इसका एक लेजेंड है जो मेन्यू पे लिखा है, वो मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ, because it has been written so beautifully and it's in English, so he'll read. So it says, the legend of Sackleys, witness to many a clandestine high school romance. यहाँ बहुत सारे schools हैं, and having shaped growing up memories of borders from All Saints, St. Joseph's, St. Mary's, and Sherwood, started in 1944 by a Swiss chef, Mr. Salcelli. This is the original mountain cafe of Nainital. Yes. Correct? Pineapple square, chocolate eclair, lemon tart, mocha, cappuccino, cold coffee. यहाँ के, these are the best dishes in the place. So, शुरुआत करें क्या? Yeah, yeah. कहाँ से शुरुआत करने वाले? मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। आप मौका, मौका, आप मौका मत छोड़ना। और ये मैंने पहले भी खाया हुआ है। इट्स टू गुड। इट्स टू गुड। या या या, लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं कॉफी, आप? मैं चॉकलेट के लिए पूरा लेता हूँ। टू गुड ना? ओह, इट्स द सॉफ्टेस्ट एंड क्रिस्पेस्ट शू पेस्ट्री विद रियल चॉकलेट ऑन टॉप एंड क्रीम इनसाइड। लवली। अभी प्रॉब्लम है,
फिर मीठा खाने के बाद कॉफी मीठी नहीं रखती। हाँ फिर भी चलेगा, चले टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैं इसका एक बाइट लेता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। मैंने तो कर हाँ मैं तो ब्यूटीफुल वर्ड ना, लवली। अभी सिनेमन रोल, दिस फ्रेशली बेक्ड एवरी डे ओवर हियर। यस, और ये तो खत्म भी हो जाता है एक्चुअली, मिलता नहीं है आफ्टर पॉइंट आफ्टर, तो बहुत हिट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ सिनेमन इज जस्ट ब्यूटीफुल विद क्रीम चीज ऑन टॉप। और ये जो कॉफी शॉप है या पेस्ट्री शॉप है, यहाँ स्कूल रोमांसेस होते थे, तभी आए हैं हम दो बूढ़े बैठे हैं यहाँ। एंड मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन हार्ट इज यंग, हार्ट इज यंग। और आपने एक स्कूल का नाम पढ़ा शेउट, ये वही स्कूल है जहाँ अमिताभ बच्चन साहब पढ़ते थे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये खान, मुझे ये बहुत पसंद है, पाइनएप्पल स्क्वायर स्क्वायर, और ये बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है। मैं आपको बताता हूँ ये खा के। प्लीज प्लीज बताइएगा। मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आपको दिखाइए, इट्स टू गुड। जो दिख रहा है मुझे, लवली लवली लाइट लेयर्स ऑफ स्पंज विद क्रीम इन द मिडल विद पाइनएप्पल जेली ऑन टॉप। यार ये कैफे हम रोज स्कूल से आते जाते, क्योंकि मॉल रोड के पास है, तो हम हमेशा देखते थे, और कभी कभी यहाँ आने का मौका मिलता था, क्योंकि तब उतने पैसे नहीं होते थे। और हम पेस्ट्रीज को ऐसे बाहर से देखते हुए निकल जाते थे, और मुंह में पानी आ जाता था। हाँ ये एक्लेयर्स और ये पेस्ट्री, तो कभी कभी किसी दोस्त का बर्थडे है कुछ है, तो एक आध बार आने का मौका मिलता था साल में। तो आज किस वजह से आया मैं, थैंक यू आप मुझे लाए यहाँ, तो आप मुझे बताइए, तो ये जो था तो स्टाइलिश प्लेस था ना ये? हाँ हाँ, बहुत, मतलब ये थोड़ा सा अपस्केल, अपने हिसाब से बोलूँ तो अपनी औकात से थोड़ा ऊपर ऊपर अच्छा गोपाल जी, मैंने सुना है कि जस्ट ऑफ मॉल रोड एक टिबेटन मार्केट है, वहाँ कुछ अच्छे टिबेटन खाना भी मिलता है, आपने कभी खाया है क्या? आपने बिल्कुल सही सुना। हाँ। और मैंने खाया नहीं है। हाँ। मैंने बहुत खाया। अच्छा, ओके, ओके। तो एक टिबेटन मार्केट है। हाँ? तो उधर सोनम के मोमोज, सोनम के मोमोज। हाँ ओके, मैं आपको खिलाता हूँ, चलो चलिए। अच्छा तो आगे हम सोनम, नमस्ते जी, कैसे हो? मोमो मोमो, आपके मोमो काफी फेमस है, हम बम्बई से आपके मोमो के बारे में सुनते आए हैं। ये गोपाल जी हैं, ये यहाँ के ही हैं, उन्होंने कहा बचपन से खा रहे हैं आपके मोमो, अभी हमें भी टेस्ट करने हैं। तो क्या खाओ, मोमो खाएंगे और क्या खाएंगे? मोमो चलता है और थुप्पा भी है, थुप्पा भी है, ड्राई थुप्पा, और चाउमीन भी ट्राई कर, चाउमीन भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे आप। चलो डन, मोमो। तो ये जो पूरा मार्केट है गोपाल जी, वो तिब्बत से आए हुए लोगों ने, हाँ, ये तिब्बतन मार्केट बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ, और यहाँ इस लाइन में बहुत सारे तिब्बतन लोगों की कपड़े, गरम कपड़े वगैरह बेचते हैं, और मोमो, और मोमोज। तो चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ये क्या है? देखिए ये है चाउमीन, चाउमीन। हाँ चाउमीन है ये, बहुत यहाँ का बहुत जगह मिलता है चाउमीन, बट इसका टेस्ट अलग ही है। फिर ये है थुप्पा, थुप्पा तो वैसे नॉर्मली थुप्पा सूपी चीज़ है, सूपी नूडल्स हैं, उसमें सूप होता है, नूडल्स होते हैं, मटन या चिकन या वेज वेट जो भी आप लेना चाहें वो होता है, बट ये लोग ड्राई थुप्पा बनाते हैं। तो ये ड्राई थुप्पा है विदाउट सूप, ओके, और काफ़ी क्रंची होता है, मज़ेदार होता है। पहले वो क्रंच जाने से पहले शुरुआत करते हैं इसको। हाँ पहले आप चाउमीन से शुरू कीजिए। एकदम
देसी टेस्ट, पूरा इंडियन है, देसी टेस्ट है, मसाले हैं इसमें, सोया है जो सॉल्टी है, और नूडल्स है, वेजिटेबल्स है जो क्रंची है, क्योंकि ज्यादा पकाए नहीं है, और हरी मिर्च का तड़का है, है वो बाद में पता चलता है उसके बारे में। और ये भी ट्राई करें, ये है थुप्पा, वेज थुप्पा, ये जाड़ों में लोग बहुत पीते हैं। अच्छा, क्योंकि सूप होता है ना गरम, वो गरम जो सूप आप कह रहे हैं, हम लोग ड्राई ले रहे हैं, हमने ड्राई थुप्पा ऑर्डर किया है। क्रंची है, नूडली है, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब यहाँ ठंड होती है ये गरम गरम थुप्पा मजा आ जाता है। और मोमो, और ये फेमस मोमोस, वैसे यूजली मुझे मोमो पसंद नहीं है, मुझे कभी पता ही नहीं चला ये मोमो में क्या है इतना क्यों फेमस हो गया है, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। पहली चीज, इसका आउटर कोटिंग है ना वो बहुत मोटा नहीं है, थिन है, ताकि अंदर का जो स्टफिंग है, जो फ्लेवर है, ये चिकन हो या वेजिटेरियन हो या वेजिटेबल्स हो या मटन हो, उसका फ्लेवर ज्यादा, उसका फ्लेवर है। और ये चटनी बहुत ऐसा स्पाइसी और तीखी होती है, तो ये मजा दुगना कर देती है। और रेड कलर के है, मैं इस चटनी में डिप करूं थोड़ा इसको, प्लीज। मजा आया, मजा आया। देखिए, जब हम कॉलेज के जमाने में थे ना, तो कॉलेज है ऊपर, यहाँ ऊपर, हाँ, ऊपर पहाड़ी, ओके, तो उतरते थे तो ये मोमो और ये चाउमीन के बिना पूरा नहीं होता था, हाँ। यहाँ से उतरते थे, फिर बारी होती थी जब जिस दोस्त के पास पैसे हैं, हाँ, वो मोमो और चाउमीन खिलाता था, या जिसका बर्थडे है, या किसी के अच्छे मार्क्स आ गए, जो भी सेलिब्रेशन, जो भी सेलिब्रेशन है वो यही है, मोमो और चाउमीन, चाउमीन यहाँ का, सोनम का। और कैसे कैसे एक टिबेटन डिश नैनीताल यानी उत्तराखंड में इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस हो गई, इतनी कि मोमो आजकल कोने कोने में, सभी शहर के कोने में मिलते हैं। हाँ, और ये अब देखिए शाम हो रही है तो ये भीड़ बढ़ती जाएगी। चलो, वी वर इन टाइम, मोमो, थुपका और चाउमीन, अब आगे जाकर देखते हैं क्या मिलता है खाने को। चलो, गोपाल जी, वो ऐसे टिबेटन मार्केट था जी, अभी लगता है ये मुगलाई जैसा, सब मुगलाई किचन है यार, और हम ऊपर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बड़ा बाजार, बड़ा बाजार, हाँ, तो ये जो है ये मेन मार्केट है नैनीताल का, लोकल मार्केट है, और यहाँ सभी तरह की दुकानें हैं। और तो हम क्या खाने जा रहे हैं अब, हम मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ लोकल मिठाइयाँ जो हैं वो टेस्ट करवाऊँ। अरे वाह गोपाल जी, बहुत ऐसा तीखा तीखा हो गया है, हाँ, कुछ मीठा खाया जाए, है ना। केसर पिस्ता दूध, दूध जलेबी चाहिए, दूध जलेबी ट्राई करेंगे, दूध जलेबी, हाँ, एक एक सर, एक दूध जलेबी मिलेगी। थैंक यू। चलो गोपाल जी, आपके लिए, मेरे लिए, ये अभी पहले तो ये खीर के बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, ये एक तरह का, मैं जैसे बोला कि राइस टाइप की चीज़ है, बट राइस नहीं है, ये पहाड़ी चीज़ है, ये राइस का सब्स्टिट्यूट होता था एक ज़माने में, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी, अगेन सुपर फूड, सुपर फूड, मिलेट्स, मुझे लगा आप अकेले ही खाने वाले। मैं कहूँ आपको, ये राइस से अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर जी, बहुत अच्छी है। अभी मैंने जब दूध और जलेबी ऑर्डर किया तो मुझे लगा कि दूध और जलेबी मिक्स करके आएंगे, क्योंकि अजमेर में जब देते हैं तो दूध जलेबी साथ में मिक्स करके होते हैं, लेकिन ये ऐसे भी ठीक है। ये दूध पूरा केसर डाला हुआ है, बादाम है, पिस्ता है, उसके ऊपर गरम गरम है। मैं दूध खाता हूँ, आप जलेबी खा लो। अरे यार, आप दूध जलेबी हो जाएगी क्या, मैं भी खाऊंगा भैया जलेबी थोड़ी, मैं भी।
नाइस, नॉट बैड ना। ये मैं तो करूंगा ये ऐसे दूध जलेबी। पहाड़ों में घूमने का यही मजा है, चलते चलते खाते खाते चलो, मजा आता है। खाते खाते चलो, चलते चलते खाओ, सेम थिंग, और चलते चलते पचाओ। तो हम आए हैं बाल मिठाई खाने और पहाड़ी चॉकलेट। पहाड़ी चॉकलेट और बाल मिठाई, और ये बहुत नैनीताल की सबसे फेमस मिठाई की दुकान है। मामू जी की मिठाई की दुकान, आप किसी से भी पूछिए नैनीताल में, मामू जी की। लेकिन यहाँ इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत मिठाई है, लेकिन मैं आपको पहाड़ी मिठाई पहले ट्राई करवाता हूँ। थोड़ा कंट्रोल करके सिर्फ ये खाते हैं। एक बाल मिठाई देना हमको। तो जी, इसकी कहानी क्या है बाल मिठाई की? सर, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है। हाँ। बाल कर दिए, वैसे बॉल मिठाई कहते हैं। अच्छा। वो शुगर बॉल्स की वजह से, पॉपी सीड लगी थी उसकी वजह से बॉल मिठाई कहते हैं। तो नाम ब्रिटिशर ने बॉल मिठाई रखा। यहाँ के लोगों ने बाल कर दिया, बाल कर जैसे मॉल लोड कहते थे, माल लोड हो गया। इम्प्रोवाइज, इंडियंस का अपना हर चीज को इम्प्रोवाइज करने का। कोई भी किसी के घर जाता है, शादी, ये सब में इस मिठाई के बिना काम नहीं चलता। तो अल्मोड़ा की फेमस है ये, लेकिन नैनीताल में ये दुकान की सबसे सबसे सही। गोपाल जी चलिए, अकेले नहीं खा रहे। चीयर्स। चुई है, क्या बोलते हैं, बर्न्ट मिल्क की। बर्न्ट मिल्क है ना, और आइडिया बहुत अच्छा है ये, उससे शुगर कोटेड बॉल्स के। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी चॉकलेट, जो अभी आपने बिना बोले खा ली। ये यही है ना, यही चीज है, बट इसके ऊपर कैरमलाइज मिल्क और ये बर्न्ट मिल्क का जो फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है। दिस इज रियली रियली नाइस। और खाए या रुके? मेरा ख्याल है कि आपका रुकने का काम तो है नहीं, खाने का काम है, तो खाइए। चंद्रकला है, और ये बहुत ही, मतलब ये थोड़ा वो, मतलब ये सिन है लेकिन मज़ेदार है, डेडली सिन है लेकिन इतना टेस्टी है कि पफ पेस्ट्री, अंदर मावा और फिर उसे तल के शुगर सिरप में डुबाया है। चंद्रकला। रोमांस आ गया आपको। चंद्रकला, चंद्रकला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि ये रामलीला ग्राउंड है नैनीताल का। ये अच्छा। यहाँ पे रामलीला होती है, इस स्टेज पे यहाँ जनता बैठती है, और मैंने यहाँ रामलीला की है। तो आपका जो, आपकी जो शुरुआत है थिएटर में, शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, मतलब वन ऑफ द प्लेस शुरुआत के। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो लॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा, ये है नैनीताल की सबसे फेमस जलेबी। ओके। लोटे वाली जलेबी। अरे वार, ये इसका आप देखिए, लोटे में से बनाते हैं और बहुत टेस्टी जलेबी है। Okay. मैं कह रहा हूँ आप बैठिए और खाते हैं। चलो। तो रक्षित शाह जी, आपकी जो जलेबी है ना, हम दूर दूर तक उसके चर्चे हैं। गोपाल जी यहाँ के हैं, बचपन से यहाँ खा रहे हैं। तो ये कब शुरू हो गया दुकान, किसने शुरू किया? एक्चुअली ये मैं इस समय फिफ्थ जनरेशन में हूँ, आई मीन फिफ्थ जनरेशन या रनिंग नाउ। तो और ये दुकान जो है, ये एक्चुअली सिंस 1850 से है यहाँ, 1850
1850 से यही है दुकान 1850 से इसी जगह पर और यही जलेबी का रेसिपी इतने सालों से 1850 यानी हो गए 173 इयर्स रनिंग देखिए ये सब मुझे भी नहीं पता था तो जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 तो उस समय मिठाई की जगह हमारी जलेबी बांटी गई थी क्योंकि यहाँ कोई मिठाई की दुकान नहीं थी उस समय सबसे पहली दुकान ये थी। हाँ लेट्स स्टार्ट गर्मा गर्म जलेबी जलेबी विद कर्ड आल्सो सॉरी विद कर्ड हाँ दही जलेबी तो पहले ऐसे खाते हैं फिर उसके बाद है ना मैंने बोला था ना कि ऐसी जलेबी आपने खाई बिल्कुल अलग है ना बस द फाइनेस्ट जलेबी अभी फाइनेस्ट और ये कहते हैं कि ये स्वीट को बैलेंस करने के लिए इसे दही के साथ खाया जाता है With curd. Yeah. Fabulous. तो रक्षित जी हाँ जी देखिए मिठाई आपकी तो आपकी जलेबी तो आपकी बहुत अच्छी है धन्यवाद लेकिन हमने देखा है और सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं धन्यवाद एक सुनाइए क्या गोपाल जी एक मीठा गाना बेड़ पार को बरमासा उनरण उनरण का फल पाको छैता मेरी छैला लड़का फल पाको छैता मेरी छैला नंतल की नंद देवी नंतल की नंद देवी उनरण 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 फुड़ चढ़ो लपाती मेरी छैला उनरण फुड़ चढ़ो लपाती मेरी छैला बेड़ पाको बरमासा बेड़ पाको बरमासा उनरण कफल पाको छैता मेरी छैला उनरण कफल पाको छैता मेरी छैला वाह क्या बात है देखिए कुमाऊं का सफर इस गाने के बिना तो कंप्लीट नहीं होता तो रक्षित जी ने कंप्लीट कर दिया ये थैंक यू जी रक्षित जी वेलकम सर आपकी जलेबी भी मीठी आपका सुर भी मीठा ये नैनीताल भी मीठा और आप गोपाल जी आप भी बहुत मीठे हैं स्वीट बहुत मजा आ गया बहुत मजा आ गया ये एपिसोड इतने मीठे नोट पे एंड हुआ है मुझे आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद दैट थैंक यू थैंक यू गोपाल जी थैंक यू एवरीबॉडी बहुत मजा आ गया अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस प्लीज शेयर प्लीज सब्सक्राइब मोस्ट इम्पोर्टेंट करना चाहिए एंड आते रहिए खाते रहिए और पूछते रहिए के खाने में क्या है स्वाद खा के देखो आप पागल हो जाओगे यार मैं बता रहा हूँ ऐसी जलेबी एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग आई डिड नॉट से दिस जब हम खा रहे थे क्योंकि मैं खा रहा था लेकिन दही के साथ बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन है दही और जलेबी का कॉम्बिनेशन अनबिलीवेबल है तो गोपाल जी आपने कभी खाया है नहीं मैंने खाया नहीं है मैंने महसूस किया है और ठूस ठूस के महसूस किया